हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। तो हम पढ़ रहे थे प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी में आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेशन कैसे होता है, ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन भी हम लेंगे, ठीक है। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं कि प्रोबेबिलिटी का जब कैलकुलेशन हम स्टार्ट करते हैं तो हमें इवेंट के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, नंबर फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो हमें सबसे पहले इवेंट्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, इवेंट्स का मतलब क्या होता है, घटना का अर्थ है उन सभी परिणामों का संग्रह जो कि प्रयोग करने पर हो सकते हैं। मतलब हम जितने टाइम जो एक्सपेरिमेंट करेंगे, जैसे सपोजिवली मैंने एक कॉइन टॉस किया, ठीक है, तो कॉइन टॉस करने पे कितने इवेंट हो सकते हैं, दो इवेंट हो सकते हैं। तो मतलब किसी भी एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट होता है, ठीक है, किसी भी एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट होगा वो क्या कहलाएगा, इवेंट कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए, प्रमुख रूप से घटनाएं निम्न प्रकार की हो सकती है, जो हमारी घटनाएं हैं, जो इवेंट है वो इस टाइप की हो सकती हैं। सबसे पहले की अगर हम बात करें तो सरल और संयुक्त घटनाएं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल और कंबाइंड इवेंट, ठीक है। तो देखिए, सिंपल इवेंट क्या होगी, जब हम जैसे सरल घटना में एक ही घटना के घटने या न घटने की प्रायिकता ज्ञात करते हैं, ठीक है। सरल घटना क्या होती है, जैसे कि आपको 52 कार्ड्स की एक क्या दे दी, गड्डी दे दी, और उसमें से बोला कि आप एक कार्ड निकालिए, ठीक है, तो वो क्या है, सिंपल इवेंट है, ठीक है। और कंबाइंड इवेंट क्या होगी, संयुक्त घटनाओं में दो या दो से अधिक घटनाओं का समावेश होता है, और इसमें क्या होगा कि आपको ताश के पत्तों की गड्डी दे दी और कहा गया कि दो पत्ते खींच के निकालिए या तीन पत्ते खींच के निकालिए, तो वो आपके क्या हो जाएगा, कंबाइंड इवेंट हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, स्वतंत्र घटनाएँ, इनडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, किसी घटना के घट जाने से आगे किसी घटना के घटने पर प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसे स्वतंत्र घटनाएं कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, कुछ इवेंट ऐसी होती है जो हो जाती है तो उसके बाद दूसरी इवेंट पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे मैंने आपको बोला कि ताश के पत्तों की गड्डी लीजिए और एक पत्ता खींचिए, ठीक है, आपने खींचा और निकाला, वापस उसको ताश की पत्ती में रखा, और फिर मैंने बोला कि एक पत्ता वापस खींचिए, तो क्या आपके सेकेंड बार जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है उसमें कोई इफेक्ट आएगा क्या, नहीं आएगा। मतलब आपके एक इवेंट हो जाएगी, उसके बाद दूसरी इवेंट पे पहले इवेंट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि ताश के पत्ते, तो ताश के पत्ते को अगर मैंने आप वापस गड्डी में नहीं डाला होता तो वो तो इफेक्ट पड़ता आपके, क्योंकि इस बार जो आप ताश के पत्ते निकालते वो 52 में से नहीं निकालते, 51 में से निकालते, और अगर ताश का पत्ता वापस मैंने गड्डी में डाल दिया है तो वापस उस घटना का, पहली वाली घटना का दूसरी वाली घटना पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यही समझाना चाह रही हूँ कि स्वतंत्र घटनाएँ वो होती है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स वो होती है जिनके होने से दूसरी इवेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। अब बात करते हैं आश्रित घटनाएँ, आश्रित घटनाएँ देखिए, डिपेंडेंट इवेंट्स, यदि एक घटना के घट जाने का प्रभाव दूसरी घटना के घटने पर पड़ता है तो उन घटनाओं को आश्रित घटनाएं कहते हैं। जैसे मैंने बोला कि ताश के पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता खींचिए, आपने खींचा और निकाल दिया, फिर वापस मैंने आपको ताश की गड्डी दी बिना उस पत्ते को अंदर रखे, और फिर से आपको कहा कि एक पत्ता और खींचिए, तो इस बार जब आप पत्ता खींचोगे तो आप उसके, आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स होंगे या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे वो 52 नहीं होकर के कितने होंगे, 51 होंगे, क्योंकि मैंने वापस पत्ते को गड्डी के अंदर नहीं रखा है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं डिपेंडेंट इवेंट्स, जिसमें एक इवेंट का दूसरे इवेंट पर इफेक्ट पड़ता हो। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पारस्परिक अपवर्जी घटनाएँ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब दो घटनाएं एक साथ नहीं घट सकती तो इन्हें परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहते हैं। इनमें से एक घटना का घटित होना दूसरी घटना के घटित होने को रोक देता है। मतलब जब इवेंट ऐसी हो कि एक इवेंट हो जाए तो दूसरी इवेंट उसी के साथ में नहीं हो सकती। जैसे मैंने एक कॉइन को टॉस किया, ठीक है, और मैंने कहा हेड आएगा, तो क्या हेड के साथ में टेल आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, क्योंकि अगर हेड आ गया तो टेल आने ही नहीं देगा वो, ठीक है, और अगर टेल आ गया तो हेड आने नहीं देगा। तो मतलब कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिसमें एक घटना हो जाती है तो उसके साथ में दूसरी घटना नहीं हो सकती, उनको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। बस बात समझ में आ गई। मैंने एक डाइस को रोल किया, ठीक है, और मैंने बोला कि 5 आएगा, ठीक है, तो जब 5 आएगा तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि 6 भी आएगा, क्योंकि अगर 5 आ गया है तो 6 आने के तो कोई भी चांस नहीं है, ठीक है। मतलब ये एक ऐसी इवेंट है, इसको हम क्या कह सकते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। या तो 5 आएगा या 6 आएगा, क्योंकि हमने एक ही तो डाइस रोल किया है, ठीक है। तो ये वो जो घटनाएं होती है इन्हें क्या बोलते हैं, पारस्परिक अपवर्जी घटनाएं कहते हैं। अब बात करते हैं बृहत घटनाएं,
वृहद घटनाएं के देखिए ऐसी घटनाएं वृहद घटनाओं की श्रेणी में आती है जिनकी कुल संभव परिणामों में प्रत्येक संभव परिणाम को सम्मिलित किया जाता है। अब देखिए मैंने एक डाइस रोल किया तब तक तो ठीक है, लेकिन मैंने दो डाइस रोल किए तो एक डाइस रोल करने पर आपके पास आउटकम कितने होते हैं 6 होते हैं, और दो डाइस रोल करने पर आपके पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं 36 होते हैं। ठीक है, तो वो जो ज़्यादा जिसमें ज़्यादा क्या होते हैं आउटकम्स होते हैं वही क्या होती हैं वृहद घटनाएँ होती हैं। ठीक है, तो ये है आपकी घटनाएं। अब हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी के थ्योरम। यह है आपकी प्रोबेबिलिटी के थ्योरम, इनकी प्रोबेबिलिटी के कैलकुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो प्रायिकता की गणना में निम्न प्रमेय प्रमुख है। इसमें दो थ्योरम यूज़ किए जाते हैं मोस्टली, एक तो है एडिशन थ्योरम और दूसरा है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ठीक है, एक तो आपके क्या है योग प्रमेय और दूसरा है आपके गुणन प्रमेय। ठीक है, पहले योग प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे हम, फिर गुणन प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। देखिए योग प्रमेय एडिशन थ्योरम क्या है, इसमें दो कंडीशंस हो सकती है। ठीक है, कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या होगी, जब घटनाएं जो है परस्पर अपवर्जी हो, ठीक है, वो क्या हो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो, जिसमें एक घटना का घटित होना दूसरी घटना को के घटित होने को रोक देता है। ठीक है, या एक घटना जब घटित हो जाती है तो उसके साथ में दूसरी घटना घटित नहीं हो सकती, उसे परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहते हैं। तो जब घटनाएं परस्पर अपवर्जी हो तो आपको ये एडिशन थ्योरम कैसे अप्लाई होगा, देखिए दो या दो से अधिक परस्पर अपवर्जी घटनाओं में से किसी एक के घटित होने की प्रायिकता उन सभी घटनाओं की अलग अलग प्रायिकताओं के योग के बराबर होती है। ठीक है, क्या बोला है कि परस्पर अपवर्जी घटनाओं में से किसी एक के घटित होने की प्रायिकता उन सभी घटनाओं की अलग अलग प्रायिकताओं के योग के बराबर होती है। ठीक है, किसी एक की प्रायिकता निकालनी है आपको तो उनके जो अलग अलग अपनी इंडिविजुअल जो प्रोबेबिलिटी होती है उसके टोटल के बराबर होती है। जैसे इसका फॉर्मूला हम देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी में से किसी एक की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो ए की इंडिविजुअली प्रोबेबिलिटी और बी की इंडिविजुअली प्रोबेबिलिटी को ऐड करना है। ठीक है, इसी को ही क्या बोलते हैं एडिशन थ्योरम बोलते हैं। आपसे अगर क्वेश्चन में पूछा है कि या तो ये या ये निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालिए, ठीक है, तो या तो ए या बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो निकालनी है तो ए की अपनी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी और बी की अपनी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे देखते हैं एक बार। एग्जांपल में ये थ्योरम हम समझते हैं। देखिए अ बैग कंटेन्स 5 black, 3 white and 2 red balls। इफ़ अ बॉल इज ड्रॉन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल इज आइदर ब्लैक और वाइट। ठीक है, देखिए एक बैग में क्या है 5 काली 3 सफ़ेद और 2 लाल बॉल है। ठीक है, और आपको एक बॉल रेंडमली निकालने के लिए कहा गया तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो ब्लैक है और वो वाइट है। ठीक है, तो देखिए आपके पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है 5, 3 और 2, 5 black, 3 white and 2 red टोटल बॉल्स है आपके पास 10। तो ब्लैक की जो प्रोबेबिलिटी रहेगी, ठीक है, रैंडमली अगर आप बॉल अगर सेलेक्ट करते हो इस बैग में से या रैंडमली बॉल निकालते हो तो ब्लैक निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, तो टोटल बॉल्स आपके पास 10 है बैग के अंदर और उसमें से ब्लैक कितनी है 5, तो 5/10 किसकी प्रोबेबिलिटी हो गई ब्लैक निकलने की। ठीक है, फिर देखिए वाइट निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो वाइट टोटल बॉल्स कितनी है 3 और टोटल बॉल जो पूरे बैग में बॉल्स कितनी है टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 10। ठीक है, तो 10 में से 3 कितने निकल सकती है वाइट निकल सकती है। ठीक है, अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है ब्लैक या वाइट होने की, या तो ब्लैक या वाइट क्योंकि आप एक ही बार तो बॉल निकाल रहे हो। ठीक है, तो ब्लैक या वाइट होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी इन दोनों की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के योग के बराबर मतलब एडिशन के बराबर होगी। ठीक है, तो वाइट ब्लैक की जो प्रोबेबिलिटी है वो जोड़ दो और वाइट की प्रोबेबिलिटी को जोड़ दो तो आपकी क्या आ जाएगी ब्लैक और वाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये है आपके एडिशन थ्योरम। अब देखिए इसमें जब घटनाएं परस्पर अपवर्जी ना हो, जब इवेंट्स जो है वो म्यूचुअली इवेंट एक्सक्लूसिव इवेंट ना हो तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है। देखिए जब दो घटनाएं पूर्ण रूप से परस्पर अपवर्जी ना हो, ठीक है, परस्पर अपवर्जी ना होना मतलब एक इवेंट हो जाती है तो दूसरी इवेंट पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हो। ठीक है, मतलब अपवर्जी तो क्या होता है कि एक इवेंट होती है तो उसका दूसरी इवेंट पे इफेक्ट पड़ता है या एक इवेंट होती है तो वो दूसरी इवेंट को होने से रोक देती है, लेकिन जब घटनाएं ऐसी हो या इवेंट ऐसी हो जिसमें एक का होना दूसरी के लिए कोई भी फर्क नहीं पड़ता अथवा उसमें कोई समान अंश हो कोई कॉमन फैक्टर हो इवेंट्स के अंदर तो उस अंश की प्रायिकता को व्यक्तिगत प्रायिकता के योग में से घटाया जाता है। तो कॉमन फैक्टर जो होता है ना दोनों में, ठीक है, जब आपकी घटनाएं अपवर्जी नहीं हो तो दोनों में अगर कोई कॉमन फैक्टर हो तो उस कॉमन फैक्टर को उसकी प्रोबेबिलिटी में से माइनस करना है, दोनों की जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी है ना उसमें से माइनस करना है। ठीक है, देखते हैं अभी इसको एक एग्जांपल से।
इसको देखिए, अगर हम फॉर्मूले के रूप में लिखना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ए या बी की, ए या बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, तो प्रोबेबिलिटी ए की इंडिविजुअल, प्रोबेबिलिटी बी की इंडिविजुअल, और दोनों का जो कॉमन फैक्टर है, ठीक है, पी ए और पी बी में जो भी कॉमन फैक्टर है वो उसमें से माइनस करना है, ठीक है। अब देखिए ये एग्जांपल से ही समझ सकते हैं। एग्जांपल क्या है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ कार्ड ऑफ स्पेड और किंग फ्रॉम द पैक ऑफ कार्ड, ठीक है। आपको एक कार्ड के पैक में से कुछ एक कार्ड निकालने के लिए कहा, ठीक है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो स्पेड होगा और किंग होगा, ठीक है। तो आपको पता है स्पेड, स्पेड क्या बोलते हैं इसको, वो जो हुक्म का पत्ता होता है ना, जो काला पत्ते जैसा होता है उसको स्पेड बोलते हैं। तो स्पेड उसमें कितने होते हैं, टोटल 13, किंग कितने होते हैं, 4, ठीक है। तो अपनी स्पेड की खुद की इंडिविजुअल जो प्रोबेबिलिटी है निकलने की वो कितनी है, 13/52, ठीक है। 13 तो स्पेड के और टोटल आपके पास पत्ते कितने हैं, 52, और किंग निकलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 4/52, क्योंकि टोटल 4 किंग होते हैं और टोटल हमारे पास पत्ते हैं 52, ठीक है। अब देखिए, अब ऐसा हो सकता है कि उसमें एक पत्ता ऐसा होगा जो स्पेड भी होगा और किंग भी होगा, कॉमन फैक्टर है, क्योंकि एक पत्ता तो, क्योंकि किंग चार होते हैं तो चारों में से एक स्पेड का किंग भी होगा, ठीक है, एक हुकुम का बादशाह भी होगा, तो हुकुम का बादशाह एक होगा उसके अंदर, ठीक है। तो स्पेड भी होगा और किंग भी होगा, वो एक पत्ता होगा, तो 52 में से एक जो होगी प्रोबेबिलिटी वो स्पेड ऑफ किंग की होगी या किंग ऑफ स्पेड की होगी, ठीक है। अब देखिए आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, स्पेड और किंग की, तो स्पेड की खुद की प्रोबेबिलिटी, किंग की खुद की प्रोबेबिलिटी, उन दोनों में से उन दोनों का कॉमन, मतलब जो किंग भी है और स्पेड भी है उसको माइनस कर दो, ठीक है। तो आपके क्या आ जाएगी, स्पेड और किंग की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 16/52 और सिंप्लीफाई फॉर्म में 4/13, ठीक है। तो ये था आपके एडिशन थ्योरम, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को। ओके, थैंक यू सो मच।